भक्ति का भ्रम और तीन साधु बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है आज की। ध्यान से चलिए सुनिए, कहानी शुरू करते हैं। पंडित रामाकांत शास्त्री चारों वेदों के ज्ञाता और ईश्वर के सच्चे आराधक थे। नियम से पूजा पाठ करते थे और मंदिर की साफ सफाई करते थे। शहर में उनका बड़ा मान सम्मान था, दान दक्षिणा और भोजन की कमी नहीं थी। बदले में वे हरि कथा, राम कथा, शास्त्र कथाओं का वाचन किया करते थे और धर्म का प्रचार करते थे। दूर दूर तक उनके यजमान और भक्त फैल चुके थे, इसलिए वह एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते रहते थे। कभी किसी धर्म सभा को संबोधित करने के लिए तो कभी किसी सत्संगत के लिए। इसी क्रम में एक दिन वे बस से सत्संगत प्रवचन करने जा रहे थे। उनके दो चेले शिवानंद और रमानंद हमेशा उसके साथ रहते और आज भी वे दोनों साथी में थे। तेज रफ्तार में चलती हुई बस जब एक सुनसान जगह से गुजर रही थी कि अचानक वह रुक गई। बस चालक ने कई प्रयत्न कर लिए पर वह बस ठीक नहीं हुई। यात्री परेशान हुए थे, घबराकर घबराहट फैल गई थी। यह बस इस जंगल में ही आकर क्यों खराब हो गई? यह खतरनाक इलाका है, आए दिन यहाँ बर्दादें होती रहती है। यात्रियों के साथ दोनों चेले घबराए भी थे, किंतु पंडित रामाकांत शास्त्री जी सभी यात्रियों को समझाते हुए बोले, बस रुक गई है तो आप सब परेशान क्यों हैं? चलना रुकना तो सब ईश्वर के हाथों में है, उसी की इच्छा से यह बस यहाँ रुकी है। यह शरीर भी तो उसी की दिया हुआ है, जब तक सांसें चल रही है तब तक जीवन चल रहा है। जहाँ सांस रुकी वहाँ सब कुछ थम जाता है। चालक साहब, आप बस को ठीक करने का प्रयत्न करिए, तब तक हम लोग इस जगह पर सैर कर लेते हैं। उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज समय बहुत अधिक हो चुका है, आपको भूख भी लगी होगी, इस जगह पर तो भोजन का कोई प्रबंध भी नहीं दिखता है। चिंता मत करो, बस इसमें भी उस ईश्वर की कोई इच्छा है, उसकी मर्जी के बगैर अन्न का एक दाना भी हमारे मुँह में नहीं जा सकता। यदि उसकी इच्छा हुई तो भोजन भी मिलेगा। पंडित जी महाराज के मुख से यह वचन सुनकर यात्री उनसे बेहद प्रभावित हुए और एक सज्जन यात्री बोल उठे, आप धन्य हैं महाराज, आप महान हैं। हम जैसे दुनियादारी में फंसे हुए लोग बेकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं, आप जैसे महात्मा ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। एक अन्य यात्री ने कहा, महाराज बस बहुत गर्मी है, आप चाहे तो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर सकते हैं। जैसी ईश्वर की इच्छा वैसे हम विश्राम की जगह भ्रमण करना ज़्यादा पसंद करेंगे। पंडित जी महाराज और उनके चेले बस से उतर गए। पंडित जी के मुख से हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप होता रहता था। वह अभी भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप टहलते हुए भी बोल रहे थे। दोनों शिष्यों को भूख लगी थी पर गुरु जी जैसे तपस्वी के सामने कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर पंडित जी उस रमणीक स्थान पर शांत और साफ नदी, हरे भरे जंगल और नदी पार दूर पहाड़ों को देखकर के मोहित होते हुए अपने चेले से बोले, देखो शिवानंद, देखो रामानंद, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है, आहा आनंद आ गया। यह प्रकृति भी हमारे ही जीवन का प्रतिरूप है। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियाँ अपना अस्तित्व मिटा करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा भौतिक शरीर भी अपना अस्तित्व मिटा करके ईश्वर में विलीन हो जाता है। दोनों चेले भी अपने गुरु की स्तुति गाने लगे। हाँ हाँ, कितनी सुंदर उपमा दी है आपने महाराज, वाह। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, क्या क्या हमें कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? पंडित जी ने एक बार फिर डिंग डांगना शुरू कर दिया। लगता है बालक तुमने भागवत गीता का ढंग से अध्ययन नहीं किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो अपना विराट रूप दिखाया था उसमें हजारों सूर्य के समान प्रकाश था, और मैं उसी रूप को हमेशा देखता रहता हूँ और मुझे तो क्षण प्रति क्षण भगवान के दर्शन होते ही रहते हैं। मुझे मेरे गुरु ने ईश्वर भक्ति का यही मार्ग समझाया था और मैं अक्षरशः अपने गुरु का पालन करता हूँ। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मेरा जीवन सफल कर दिया। अभी यह बातें ही हो रही थी कि वहाँ से कुछ ग्रामीण लोग गुजरे। पंडित जी की महाराज जी से उनसे पूछा, वहाँ नदी के उस पर कोई रहता है क्या? एक ग्रामीण ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वहाँ कोई नहीं रहता है, जंगली जानवरों का भय हर समय बना रहता है।
इसलिए कोई वहाँ बस करके नहीं रहता। हमें आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर जगह पर कोई रहता क्यों नहीं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बस वहाँ तीन साधु रहते हैं। तीन साधु क्या करते हैं? वे तीनों साधु बस कुछ नहीं महाराज, भगवान का भजन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं और कभी किसी से मिलते नहीं हैं। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है उन्हें? एक ने कहा, जी महाराज, अपने लड़कपन में एक बार खेलते खेलते मैं नदी पार कर उस ओर चला गया था। जंगली जानवरों की भय आवाज़ सुन करके घबरा करके एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने उन तीनों साधुओं को देखा। वे किसी से कुछ नहीं कहते, आपस में कोई बात नहीं करते, बस हमेशा तपस्या करते रहते हैं। हम उन साधुओं से मिलना चाहते हैं। तो एक तीसरा ग्रामीण बोल उठा, यह जो घटना इन्होंने बताई है यह तो सालों पुरानी है महाराज, पता नहीं अभी तक वे तीनों जिंदा भी होंगे या नहीं, और अगर जिंदा भी होंगे तो भी वे अज्ञानी इस योग नहीं कि आप जैसा महात्मा उनके पास जाए, कहाँ आप जैसा प्रधान पंडित और कहाँ ये तीन मूर्ख। पर पंडित जी महाराज नहीं माने और वे उन साधुओं से मिलने की जिद करने लगे। गांव वालों ने नाव तैयार की और सन्यासी महाराज को लेकर के उस पर पार चल दिए। जंगली जानवरों का खौफनाक आवाज़ के बीच वे लोग जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों चेले की हालत डर के मारे खराब हो पड़ी थी, पर गुरुदेव निडर होकर के परमात्मा का नाम जपते आगे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे तीनों साधु तपस्या कर रहे थे। तीनों साधु अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। पंडित जी महाराज ने देखा कि सूख कर कांटा हो चुके हैं। एक वस्त्र में लिपटे बेजान से तीनों बूढ़े बाहर आए और उन्होंने बिना कुछ कहे पंडित जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज जी ने भी अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। कुछ रुक कर फिर पंडित जी ने कहा, सज्जनों, हमने सुना है कि आप लोग लंबे समय से अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस वन में तपस्या कर रहे हैं। और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें मूढ़ अज्ञानी समझकर पंडित जी ने आगे कहा, सज्जनों, ईश्वर की असीम कृपा से यह दायित्व मुझे सौंपा गया है कि मैं उन लोगों का मार्गदर्शन करूं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं। वे तीनों अभी भी खामोश रहे। फिर पंडित जी ने आगे कहा, सज्जनों, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर को पाने के लिए आप कैसी तपस्या करते हैं। कुछ देर फिर शांत रह करके उनमें से एक बुजुर्ग साधु बोला, हे महात्मा, कृपया हमें बताइए कि हम प्रभु को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम अज्ञानी हैं, हम ईश्वर से सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। बाकी दोनों साथियों ने भी कहना शुरू कर दिया, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। यह सुनकर के दोनों शिष्यों समेत पंडित जी समेत सभी लोगों को हंसी आ गई। तब पंडित जी ने गर्व से कहा, अरे नहीं सज्जनों, इस प्रकार तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आओ, मैंने मोक्ष प्राप्ति के जिन मित्रों को वेदों से सीखा है उनमें से एक आपको बताता हूँ। आओ बैठो, जैसे मैं बैठ रहा हूँ वैसे बैठो। पंडित जी बैठ गए और वे तीनों बुजुर्ग भी बैठ गए और पंडित जी ने बड़े ही मीठे स्वर में गाना शुरू किया। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दबड़न तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। वो भी सुन सुन करके इस मंत्र को गाने लगे। गाना खत्म करने के बाद पंडित जी ने कहा, भक्तजनों, अब मुझे समझ आया कि हमारी गाड़ी खराब होने का ईश्वरीय प्रयोजन क्या था। आप तीनों जो भक्ति के सही मार्ग से भटक करके अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ही ईश्वर ने आज हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर बड़ा कृपालु है, हर अच्छी बुरी घटना में उसका कोई ना कोई प्रयोजन छिपा होता है। इतने में बस का हॉर्न बज उठा। पंडित जी ने कहा, लगता है हमारी बस ठीक हो गई। भक्तजनों, आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, इसी प्रकार गाते रहिए और ईश्वर को प्राप्त करिए। आपका कल्याण हो। अब हम चलते हैं।
पंडित जी अपने चेले समेत वहाँ से चले गए और वे तीनों साधु वहीं बैठे बैठे रटने लगे, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु चस्खा तमेव। अभी पंडित जी अपनी बस में जाकर के बैठे ही थे और बस चलने को ही थी कि पंडित जी की नज़र खिड़की से बाहर को पड़ती है और बाहर का नज़ारा देख करके उनके होश भगत उड़ जाते हैं। उन्होंने विश्वास नहीं होता है कि वह देख रहे हैं वह सच हो या गलती सपना हो। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जो वह देख रहे हैं वह सच है या कोई सपना। उन्होंने देखा कि वे तीनों साधु दौड़े दौड़े उन्हीं की ओर आ रहे हैं। उस पार के जंगल और उनकी बस के बीच में जो नदी थी, वे उस नदी के ऊपर दौड़ते हुए उसे पार करते हुए आ रहे हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं मानो पानी नहीं है, ज़मीन पर दौड़ रहे हों। पंडित जी आँखें मलने लगे कि यह हो क्या रहा है। सब यात्रियों ने देखा तो वे सब लोग डर गए कि यह कोई तीन भूत है जो पानी पर चल रहे हैं। पंडित जी महाराज तुरंत बस से उतरे। वे तीनों पंडित जी के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनमें से एक कहता है, हमें क्षमा करिए महात्मा, हम आपका दिया हुआ मंत्र भूल चुके हैं, कृपया वह मंत्र हमें फिर बताइए कि हम अपने ईश्वर को पा सके। दूसरा बोला, हम महामूर्ख अज्ञानी हैं, जब तक आपका दिया हुआ मंत्र जप रहे थे तब तक याद रहा, जैसे ही रुक कर उसके बाद भूल गए। तीसरा बोला, आपको ईश्वर ने हमारा कल्याण करने के लिए भेजा है, लेकिन हम मूर्ख आपका दिया हुआ मंत्र भूल गए, कृपया हमें वह प्रार्थना फिर से सिखा दीजिए। पंडित जी की आंखें खुल गई और वह अब उन्हें समझ में आई कि इस बस के खराब होने का ईश्वरीय प्रयोजन दरअसल क्या था। द्रवित होकर के बोले, नहीं पुण्य आत्माओं, नहीं, आपको प्रार्थना सिखा पाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। हम तो केवल शब्दों विधियों और शास्त्रों में उलझे हुए तुच्छ प्राणी हैं। हम अहंकारी हैं और अपने ही आडंबरों में फंसे हुए हैं। सच्चे भक्त तो आप हैं, आपको आपकी प्रार्थनाओं ने ईश्वर तक पहुंचा दिया है। हे महात्माओं, हे पुण्य आत्माओं, अपनी प्रार्थना में ईश्वर से हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हमें सद्बुद्धि दे और भक्ति का सच्चा मार्ग हमें दिखाएं। मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूँ। सभी ने एक दूसरे को झू करके प्रणाम किया। हे दयालु हम पर दया करो, हे दयालु हम पर दया करो, हे दयालु हम पर दया करो, ऐसा कहते कहते हुए तीनों वहाँ से चले गए और पंडित रमाकांत शास्त्री जी अपनी बस में बैठ करके अपने संतगण की ओर चल दिए। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।